राजनांदगांव के नागरिक कई दिनों से पुलिस को डीजे के संबंध में शिकायत, सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन डीजे संचालकों के साउंड सिस्टम को जब्त। बता दे कि शादी में सीजन के लगातार गली मोहल्ले में शादी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शादी को आनंदमय बनाने के लिए रात भर डीजे और साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। डीजे संचालक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित डेसीबल के नियमों का पालन डीजे संचालक नहीं कर रहे हैं। शहरवासियों से शिकायत मिली थी कि देर रात तक अत्यधिक आवाज़ में डीजे और धमाल का संचालन किया जा रहा है, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस ने अभी तीन डीजे और धमाल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। और इनके अलावा जो और कुछ संचालक हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरा आग्रह है जो भी डीजे संचालक हैं, जो निर्धारित मापदंड है और सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, सभी को बार बार हम निर्देशित कर चुके हैं, उनका पालन करते हुए ही इसका संचालन करें। अभी तीनों जो धमाल और डीजे हैं उनको अभी जब्त किए हैं और कोलाहल अधिनियम की कार्रवाई किए कर माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिले में अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक घटना हुई है। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मृतकों के परिजनों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार ने की है। सरकार ऐसे दुख की घड़ी में परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिलाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, घायलों से मिले और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और जाकर वहाँ पर उनके लिए जो किए जा रहे काम हैं, उनको राहत पहुँचाने का काम, इसके लिए उन्होंने मजबूती से वहाँ पर काम किया है। लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि कुम्हारी की घटना में हमने मजिस्ट्रियल जांच करवाई है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दुर्घटनाएं रुकें, ऐसे घटना ना हो, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ठोस और मजबूत कदम आगे हम उठाएंगे। देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो इंक्वायरी के रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे, पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जनजागरण अभियान भी चलाया जाता है, ज़रूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है, पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। शराब दुकानों में कैशलेस सुविधा शुरू, मामले पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में काम हो रहा है, आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शिता हो, सही कीमत पर लोगों को शराब मिल सके। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर साप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके।
ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर डाली, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने उनके बयान पर कहा कि संबित पात्रा ने कुछ गलत नहीं कहा है। दरअसल भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। इस टिप्पणी पर आज विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, संबित पात्रा ने गलत नहीं कहा, भक्त और भगवान का अलौकिक संबंध है। आप एनालिसिस करेंगे तो जगन्नाथ जी भक्तों के भगवान है। रथ यात्रा के दिन भक्तों के दर्शन करने के लिए वो निकलते हैं। रथ यात्रा में क्यों निकलते हैं अपना सिंहासन छोड़ के? कोई भगवान तो सिंहासन छोड़ के निकलता नहीं, जगन्नाथ जी निकलते हैं। और विश्व में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ भाई बहन का मंदिर है, हर जगह राधा कृष्ण का, राम सीता का, शिव पार्वती का मंदिर होता है, लेकिन जगन्नाथ जी में भाई बहन का अथाह प्रेम। रक्षाबंधन की शुरुआत वहीं से हुई है। मैं जो लोग इस बात को लेके उलझल बयान दे रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं को दीपक बैज ने डिस्पोजल बताते हुए कहा, ये लोग कांग्रेस में थे तब फ्रंट पर रहकर काम करते थे, भाजपा में सभी नेता सिर्फ डिस्पोजल की तरह काम आएंगे, इनके बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त हैं, 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए आगे रणनीति बनाएंगे। भाजपा नेता संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त कहे जाने वाले बयान की दीपक बैज ने आलोचना की। बैज ने कहा, कभी भगवान राम को लाते, अब भगवान जगन्नाथ को ले आए हैं, भगवान से बड़ा मोदी को बताने लगे हैं, देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। जगन्नाथ भगवान, अब मुझे लगता है अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये तो भगवान राम को लाए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ को भी लाए हैं। मुझे लग रहा है ऐसा संबित पात्रा जी के बयान से ऐसी लग रहा है। तो मोदी जी तो भगवान से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए ना, हमारे लिए नहीं।